आनंदपाल एनकाउंटर केस में गहलोत सरकार मेहरबान, 9 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति, 90 को नकद इनाम। वसुंधरा सरकार में एनकाउंटर को फर्जी बता पुलिस वालों पर दर्ज हुई थी FIR। नमस्कार, मैं प्रेरणा जोशी आपको बताने जा रही हूँ इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को गहलोत सरकार विशेष पदोन्नति देगी। इसके अलावा 90 पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 पुलिसकर्मियों को 1-1 लाख, 13 पुलिसकर्मियों को 50,000 रुपए, 34 पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपए और 26 पुलिसकर्मियों को 5,100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने एक आदेश जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा गहलोत सरकार ने 2 IPS और 2 एडिशनल SP को 12 बोर की पिस्टल से सम्मानित करने और 7 पुलिस अफसरों को प्रेसिडेंट मेडल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करने की सिफारिश की है। इसमें आनंदपाल सिंह को गोली मारने वाले स्पेशल कमांडो सोहन सिंह, तत्कालीन चूरू SP राहुल बारहट, SOG में एडिशनल SP करण शर्मा, एडिशनल SP विद्या प्रकाश चौधरी, DSP सूर्यवीर सिंह राठौर, RSC के हेड कांस्टेबल कैलाश व चूरू में पुलिस कांस्टेबल हरमपाल के नाम भी शामिल है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को फाइल भेजेगी। ये सभी मुख्य रूप से आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम में शामिल थे। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद वसुंधरा राज्य सरकार में राजपूत नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तब एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। साथ ही मामले में CBI जांच का दबाव बनाया गया, लेकिन CBI ने पिछले साल ही अपनी जांच पूरी कर एनकाउंटर को सही ठहराते हुए पुलिस को क्लीन चिट दी थी। CBI ने आनंदपाल एनकाउंटर को फर्जी बताए जाने से जुड़े मामले में FIR लगा दी थी। जबकि इस एनकाउंटर के बाद सामराज में हुए हिंसक उपद्रव के मामले में आनंदपाल की बेटी राजपूत समाज के नेताओं सहित करीब 24 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। FIR में CBI ने कहा कि आनंदपाल एनकाउंटर फर्जी नहीं था, इससे पुलिस की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। SEGM कोर्ट में पेश FIR में यह भी कहा गया कि आनंदपाल की AK-47 से ही पुलिस के कमांडो सोहन सिंह पर गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने जान बचाने के लिए फायरिंग की। दूसरी ओर दंगे भड़काने के मामले में पेश चार्जशीट में आनंदपाल की बेटी योगिता सिंह, राजपूत समाज के नेता लोकेंद्र सिंह कालवी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, रणवीर सिंह गुड़ा, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष व कांग्रेस नेता हनुमान सिंह खांगटा सहित 24 लोगों को आरोपी बनाया गया। CBI ने जांच में माना था कि इन आरोपियों ने सरकार पर दबाव बनाने के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और भड़काऊ भाषण दिया। इसके बाद अनियंत्रित भीड़ ने नागौर SP के वाहन पर हमला कर आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, जयपुर।